मेरा पूरा सुबह बंद हो जाता है, मेरे लिए डब्ल्यू मेरे लिए जैसी सब काम छोड़ देती हूँ। मगर अब पहले भी हम तंजीमों में हमें बुलाया गया मगर हमें इस्तेमाल किया गया सिर्फ धरने और एहतजाजों के, फिर वो अपने आप को आगे हमें पीछे कर दिए। मगर अब मुझे पता है कि असलम लाला की क़यादत में हम आपके साथ होंगे और इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे। और 14 से 19 अक्टूबर तक डी चौक में जो हमारा धरना हुआ और जो कमेटी बनाई गई, आज तक एक मीटिंग भी उन्होंने नहीं बुलाई। हर इदारे में बहुत सारी महरूमियां हैं मगर एलएचडब्ल्यू की महरूमियों का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में हमारी पहली तजवीज़ है कि हम हुकूमत को एक क्लियर डेडलाइन दें। और फिर हमारी दूसरी तजवीज़ ये है कि हम एहतजाजी कैंप लगाएंगे और रोज़ाना बारी बारी एक एसोसिएशन या यूनियन के लोग आकर उस कैंप में बैठेंगे और अपना एहतजाज उस वक्त तक हम जारी रखेंगे जब तक हुकूमत मुलाजमीन के हक में घुटने न टेक दे। तीसरी हमारी ये तजवीज़ है कि सूबाई सतह पर आल पाकिस्तान एम्प्लाइज तहरीक की तरफ से भी एहतजाज होनी चाहिए और इसके बाद हमें मरकज पर हमला करना चाहिए, क्योंकि इस हुकूमत ने ये हुकूमत आई भी झूठे, जो झूठे नारे लगाए थे, जो झूठ लगाए थे, हर किसी ने अपने पार्टी की से इसको वोट दिया कि ये मेरे मुल्क में तरक्की लाएगा। मगर जब इसने काबीना बनाई और वही लोटे जो हर हुकूमत में आते हैं, और जब इसने ये काबीना ली तो मैंने सबको कह दिया, मैंने कहा पाकिस्तान का बेड़ा खर्च होने वाला है जब इसने वही लोग ले लिए। तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह हम बहनें आपके साथ रहेंगी। मगर मेरी असलम लाला से ये अपील है कि जिस तरह वो बाकी मेरे भाइयों की जो जिस जिस महकमे के सदारत और सदर आए हैं मेरे इधर, वो अपनी तजवीज़ें और मीटिंग और कमेटी पे बुलाएंगे, तो इंशाल्लाह हम असलम लाला से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा काम भी करेगा। हमने तो पहले भी इस पर बहुत काम किया और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें किसी ने परमानेंट नहीं किया। हम जो परमानेंट हुए अपने इस जोरे बाजू पे हुए हैं और हम अदालत गए हैं, हमने अदालतों में हमारे केस हुए हैं, हमारे पे किसी का एहसान नहीं है, किसी पार्टी का। अगर सब का सियासी पार्टी से ताल्लुक होता है, मेरा भी एक सियासी पार्टी से ताल्लुक है, मगर हमें परमानेंट करने वाला इफ्तिखार चौधरी है, उसको मैं आज भी सलूट और सलाम करती हूँ। हमें अदालतों ने परमानेंट किया है और इंशाल्लाह अब हम अपना हक लेके रहेंगे और इस दफ़ा हम ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि हम इनको सरगर्दान करेंगे, संगे सरगर्दान उचित भी बती उपास। हमने जितनी 2007 से जब मैंने ये तहरीक शुरू की तो मेरी एलएचडब्ल्यू एलएचएस से कहती थी बाजी ये नहीं हो सकता, हमें निकाल देंगी, मुझे सारे अफसरों का दबाव, तुम्हें निकाल दूंगा ये वो। मगर मैंने कहा अगर निकाल दूंगी, मेरा ये वो है कि यार रिज़क अल्लाह देता है, अगर अल्लाह ताला एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलते हैं। मेरी सारी उम्र इसमें गुजरी है, मैंने कोई परवाह नहीं की, मैंने नौकरी बदमाशी के साथ की है, मैंने कभी भी झुकी नहीं हूँ, ना मैं किसी से डरती हूँ, चाहे अफसर हो। मुझे जब कोई कहता है तुम डरती नहीं हो, मैंने कहा आके मेरा काम देख लो, अगर मेरा काम खराब है तो मैं डरूंगी, और मैं क्यों डरूंगी, मैं शुक्र है पहाड़ों के इलाकों से मेरा ताल्लुक है, मैं मन हूँ। मगर ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मैं अभी जैर शाह मिनिस्टर जो थे ये हेल्थ के पीपल्स पार्टी के जैर शाह सर, मैं उसको भी सलाम पेश करती हूँ कि अदालत के बाद के पीके में जितनी भी हमारी कामयाबी हुई है, क्योंकि अगर ये मैं ना कहूँ तो ये अच्छी बात नहीं होगी, जैर शाह ने हमारा साथ दिया है। आप यकीन करें कि जब भी हम एहतजाज करते थे सड़कों पे बैठते थे, जैर शाह जमीन पे आके बैठ जाता था, डीजी हेल्थ को जमीन पे बुला लेता था, सेक्रेटरी इस चौक में सड़क पे सारे फाइलें लेके आके बैठ जाते थे, हमारी 6-6 महीनों की तनख्वाह एक मिनट में वो हमें भेज देते थे बैंकों में। मगर आज तक आज हम इतना बड़ा इधर हमने एहतजाज किया, कोई आदमी हमारे
पे लानत भेजते हैं कि इस लानती हुकूमत को वोट देने वाले हम सब लोग हैं और अपने आप पे ये यहूदी मुसल्लत करने वाले भी हम हैं। शुक्रिया।